कुछ लोग कह रहे हैं कि जो मंदिर है मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भी नहीं होनी चाहिए, इस विषय पर बातें हो रही हैं। कुछ लोग और अन्य बातें यहाँ पर कर रहे हैं, तो ये कितना सही है? ऐसा है कि मैं जो लोग कहते हैं कि बिना मुहूर्त का पूजा हो रहा है, मैं उनसे पूछता हूँ कि अगर वो किसी भी प्रकार का अपराध करते हैं, अधर्म करते हैं, तो क्या वो मुहूर्त पूछ करके करते हैं? बुरे कर्म करने के लिए किसी मुहूर्त की जरूरत नहीं है, तो हमें अच्छे कर्म करने के लिए किसी हमें मुहूर्त की जरूरत नहीं है। राम जी के मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा होने का किसी भी प्रकार का कोई मुहूर्त की जरूरत नहीं है। अच्छे काम कभी भी किया जा सकता है, उसको मुहूर्त की जरूरत नहीं पड़ती है। विडंबना है, फालतू है, बकवास है। किसी ने कहा है, लाइफ इज द ड्रामा, माइन इज द एक्टर, अर्थ इज द स्टेज, गॉड इज द डायरेक्टर। हमारे दूसरी बात, राम लला इज गोल्ड कैन बी पेड बैक बट सिंपैथी कैन नॉट बी, वर्क इज वर्शिप, रिस्पेक्ट विल बी रिस्पेक्टेड, डोंट माई बेस्ट कल्चर। अगर हमारे हिंदुस्तान के सबसे बड़ा कल्चर का कोई सांस्कृतिक और आदर्श पुरुष है तो श्री भगवान राम है। और भगवान राम की मूर्ति पर, भगवान राम लला के स्थान पर, भगवान राम लला के जन्मभूमि पर, प्राण प्रतिष्ठा पर किसी भी प्रकार का जो है कि नहीं, अगर अपाजनिक भाषा का प्रयोग करता है, गलत भाषा का प्रयोग करता है, विरोध करता है, तो समझिए कि उसका बुरा दिन शुरू होने वाला है। मैं इसे अधिक और कुछ नहीं कह सकता। तो उसका बुरा दिन शुरू होने वाला है, जो भी इसका विरोध कर रहा है वो सभी बुरे दौर की तरफ जा रहे हैं और वो दिख भी रहा है। सरल लिखा कि ना आबाद करने से, ना बर्बाद करने से, तसल्ली दिल को मिला श्री राम लला को याद करने से, है ना? तसल्ली दिल को मिला श्री राम लला को याद करने से। गुरु जी, मैं चाहूंगा कि जो हमारे दर्शक है उनको कुछ एक दो आप अपनी रचनाएं और सुनाइए। ऐसा है कि जिंदगी कितनी खूबसूरत है जरा धीरे चलो, जिंदगी कितना खूबसूरत है जरा धीरे चलो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। जरा धीरे चलो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा अगर कोई तुम्हें सम्मान किया, उछल कर मत चलो, चोट लग जाएगी, चोट लग जाएगी। उपहार के जगह संस्कार को अपना बनाओ, बहुत काम आएगी, बहुत काम आएगी। ऐसी वैसी बात दिल से निकाल दीजिए, ऐसी वैसी बात दिल से निकाल दीजिए। छोटी सी जिंदगी है मानव, मुस्कुरा दीजिए। छोटी सी जिंदगी है मानव, मुस्कुरा दीजिए। तो बहुत खूब, एक अगर देखा जाए तो इनकी जो रचनाएं हैं अपने आप में बहुत सारी गहराई समेटे हुए हैं। और जैसा कि आप अभी सुन रहे थे, जो गुरुजी हैं इन्होंने पीएचडी करी हुई है, दर्शन शास्त्र से पीएचडी किए हुए हैं। और उसके बाद जब संसार में कोई रस नहीं दिखा तो इन्होंने एक संत का वेश धारण किया और संत की राह पर चल पड़े। एक जो रास्ता होता है, राम का रास्ता जो होता है, या ये कहें कि जो आपके परलोक को सुधारने वाला रास्ता होता है, उस रास्ते को इन्होंने अख्तियार किया और उधर चल पड़े। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो चीजें हैं, जो रचनाएं हैं और साथ ही जो गुरुजी बातें हैं, वो आपको अच्छी लगी होंगी। मिलता हूं फिर से, तब तक के लिए जय।